हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पैसिफिक पर। ये हमारा अंडमान का फिफ्थ ब्लॉग है और आज हम पहुंच चुके हैं हैबलॉक आइलैंड। हैबलॉक आइलैंड में तीन सबसे ज़्यादा फेमस जगह है। पहला राधानगर बीच, जहां आप नहा सकते हैं। दूसरा एलिफेंटा बीच, यहाँ आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं और बोट से भी जा सकते हैं। और तीसरा है काला पत्थर, यहाँ आप शांति से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही शांत जगह है। तो चलिए देखते हैं, हमारा ड्राइवर आ चुका है। दोस्तों, आप यहाँ से स्कूटी बाइक भी बुक कर सकते हैं अगर आपको ट्रैकिंग करना हो तो। अब हम जल्दी से होटल जाएंगे और होटल में फ्रेश होकर राधानगर बीच के लिए निकल जाएंगे। हम कैब के पास पहुँच चुके हैं, कैब हमारा रेडी है होटल के लिए। हम कैब में अपना सारा सामान चढ़ा चुके हैं, अब हम कैब में चढ़ेंगे। हम होटल के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से 10 मिनट के दूरी पर हमारा होटल है। 10 मिनट में हम होटल पहुँच जाएंगे। तब तक आप देखिए, यह साइड व्यू, साइड का नज़ारा देखिए। चारों तरफ पेड़ है, चारों तरफ एकदम ग्रीनरी, चारों तरफ हरियाली, एकदम बहुत ही अच्छा व्यू है। फाइनली दोस्तों, हम होटल पहुँच चुके हैं। आपको होटल का व्यू दिखाते हैं। ये एक रिजॉर्ट है, यहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको कैसे है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ हम चेक इन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। इसके साथ एक बीच भी है जस्ट सामने, आपको पूरा बीच दिखाएंगे, पूरा होटल का व्यू दिखाएंगे, अंदर का कैसा रूम है। सबसे पहले हम चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। दोस्तों, फाइनली हमने चेक इन कर लिया है। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटैलिटी है यहाँ का। चेक इन से पहले हम लोगों को जूस पिलाया गया। तो चलिए अब हम बीच की ओर चलते हैं, बीच का व्यू देखते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। यहाँ कुछ थोड़ा हवा चल रहा है, ठंडा ठंडा, इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, चेयर्स भी है बैठने के लिए। आप यहां पर बैठ के आराम से यहां का व्यू का मज़ा ले सकते हैं। देख सकते हैं पूरा अच्छा व्यू है, देख सकते हैं कितना अच्छा लैंडस्केप, बहुत ही अच्छा व्यू। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। दोस्तों, हमारा रूम मिल चुका है, अब चलते हैं हम ऊपर, आपको दिखाते हैं होटल के अंदर का व्यू, रूम का व्यू दिखाते हैं। देख सकते हैं ऊपर से कैसा दिखता है व्यू। चलते हैं हमारे रूम पर, रूम देखते हैं किस कैसा रूम है। चलिए अंदर का व्यू देखते हैं। देखिए ये वॉशरूम है, वॉशरूम का व्यू। ये हमारा रूम है और ये देख सकते हैं आप इसके विंडो का व्यू, विंडो से बाहर पूरा ग्लास का लगा हुआ विंडो, बहुत ही अच्छा व्यू है। चलिए दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू। अब हम फ्रेश होकर जाएंगे बीच की ओर। फ्रेंड्स, हम बीच में आ चुके हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। ये बीच जल्दी से आपको कोई दिखाएगा नहीं।
ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। फुल एंजॉयमेंट, फुल सब कुछ है यहाँ एंजॉय करने के लिए। झूला है टाइप का, पेड़ है, देखिए कितना मजा मजे ले रहा है। हो गया, चलो उतरो, तोड़ नहीं देना, सबके लिए है। चलो देखिए सामने सब है कोरल, यहाँ पर मछलियाँ अलग अलग तरह का मछली मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं दिखेगा, सब कोरल है। जाल है, सब मछली कोई कोई पकड़ता है, मे भी टूटा फूटा जाल, लेकिन सबसे अच्छी बात बहुत ही खूबसूरत जगह। हाँ देखिए सीप्स, सीपियाँ इधर है, पेड़ में भी मैनग्रोव का एक टाइप है ये सब, मैनग्रोव का टाइप ही है। और ये हेवलॉक का हम लोग का होटल से 100 मीटर की दूरी में है। पता नहीं यहाँ कोई बात लेता है कि नहीं, पता नहीं, मैं भी शाम को लेता है, अभी कोई नहीं है, पूरा बीच खाली, पूरा आगे खुला समुंदर, ब्लू सी समुंदर, ऊपर नीला आसमान, नीचे ब्लू समुंदर, सामने आइलैंड, इधर भी आइलैंड, और यहाँ हम लोग। गाइस देख सकते हैं हमारे रात का व्यू, देख सकते हैं यहाँ का रिजॉर्ट का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, हमने बहुत सारा फोटो लिया यहाँ पर। देख सकते हैं यहाँ का व्यू, हमारे रिजॉर्ट का व्यू। देख सकते हैं वहां पर कितना अच्छा से सजाया गया है। चलो देख सकते हैं बहुत पर बहुत ही अच्छा सजाया गया है। देखिए यहाँ झूला भी है,
देखिए यहाँ पर आप कैंडल लाइट डिनर भी कर सकते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है आपको। आप अगर सस्ते में कैंडल लाइट डिनर करना चाहते हैं तो आप खुद से कैंडल भी ला सकते हैं। देखिए हमें कैंडल मिला है, अब कैंडल मिल चुका है और ये नाइट कैंडल देखा और नाइट भी है। देखिए बस डिनर मेरा हमारा रिजॉर्ट में है, वहीं पर करेंगे कैंडल जला के, कैंडल लाइट डिनर हो जाएगा। देखिए देखिए एकदम इसको पकड़। नाव में शायद कुछ मछलियां भी हैं इसके अंदर। देखते ही देखते पूरा दिन खत्म हो गया, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।